फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। हमारी खुशी का दिन बर्बाद हो गया, जहर शरबत में था। बहादुर ने किया है ये सब। कबीला बदल करने का मकसद तुम्हें सबक सिखाना था। लेकिन अब तुम्हारा सर कलम करूंगा। उन्हें जहर किसने दिया होगा जनाब? वही जो अर्तुरुल को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे भी इस्तेमाल कर सकता है। अमीर सादतीन, अमीर हजरत ने तुम्हें मुबारकबाद भेजी है और तुम्हारी मुसलसल तावेदारी के बदले तुम्हारे लिए सोने के सिक्के भिजवाए। गिरजा ने जो कहा क्या वो सच है? ये आदमी अल्पमिश है। दुरुस्त है भाई, अल्पमिश हमारे साथ नहीं था, वो बाकी कबीले के साथ आ रहा था। कुछ पता नहीं कि वो यहां कैसे पहुंचा। भाई मुझे यकीन है बहादुर ने इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। चलो भाइयों, इसकी लाश को यहां से उठाते हैं। आ जाओ भाइयों। शाबाश। अल्लाह, लानत हो इस जहर देने वाले पर। सिपाहियों, बाहर जाओ। मुझे अल्पमिश का बताओ, क्या हुआ है उसे? अल्पमिश ने छुपकर अस्मा से कबीले के बाहर मुलाकात की और फिर उसे मार डाला। यानी जहर देने वाली अस्मा थी? हाँ, असले हाँ ना, खुद का बड़ा कबीले का सरदार समझने लगे थे। अस्मा अगर गद्दार थी तो तुम्हारा सिपाही अल्पमिश भी गद्दार था बहादुर। यकीनन तुमने अल्पमिश के जरिए ही अस्मा को जहर देने का हुक्म दिया। ये सिर्फ एक इल्जाम है और कुछ नहीं अर्तुरुल सरदार। अल्पमिश बदबख्त बाकी कबीले के साथ था, यहां क्या करने आया था नहीं जानता मैं। तो तुम अब भी सच नहीं बताओगे?
अल्पमिश से ये काम तुमने करवाया था। अस्मा को सोने का लालच देकर इस्तेमाल किया तुमने। ये सब झूठ है, झूठ है ये। अल्पमिश ने ये सब किसके कहने पर किया मैं नहीं जानता। हाँ, तुम्हारी नियत अगर मुझे जान से मारना है तो मुझे अभी मार दो अर्तुरुल सरदार, ताकि दोनों को सुकून मिल जाए। जब तक वो असल मुजरिम तुम्हारी पीठ में छुरा न घोंपते अर्तुरुल सरदार। दोबारा कहो तुमने जहर नहीं दिया। मैंने जहर नहीं दिया अर्तुरुल सरदार। मैं तुमसे या मौत से नहीं डरता, जो कर सकते हो कर गुजरो, मगर ये जान लो जहर नहीं दिया मैंने। अरे ये तो जमींदार एरिस लगता है, अगर ये यहाँ पर करने क्या आया है? देखिए अब क्या होता है भाई। भाई वो एरिस, जमींदार एरिस आया है। सिपाहियों, हुकुम भाई, बांध दो इसे, वापस आकर निमटता हूं इससे। आखिर यहाँ पे जमींदार एरिस किस लिए आया है? वो तो नहीं। अगली बार देख रहा हूँ। देखते हैं कि सरदार क्या कहते हैं। यहाँ क्या कर रहे हो एरिस? खबर मिली थी मुझे, सोचा शायद आपकी मदद कर सकूं। यानी खबर तुम तक पहुंच गई, काफी तेज कान है तुम्हारे। यहां से हाली बाजार तक सबको मालूम हो चुका है अर्तुरुल साहब, ताजियत कबूल कीजिए। जिंदा है अभी। कौन अहमक ऐसा जहर बनाता है जो मौत में इतना वक्त लगाए? जो चाहता है कि मरने से पहले वो गर्भ सहे। हाय हाय हाय, बहुत गहरी रंजिश लगती है। आओ मेरे साथ। ये क्या हो रहा है बंसी भाई? जंगल में भटक रहे हैं हम, रास्ता नहीं मिल रहा है हमें, कुछ नहीं पता। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम मेरी मदद करने आए हो यहां, मैं कैसे यकीन कर लूं इस बात का? मैं उसकी मदद करने आया हूं जिसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, क्या ये काफी नहीं? मेरी गैर मौजूदगी में अमीर सादतीन के साथ हानली बाजार पर कब्जा करना चाहा तुमने, कैसे कर लूं तुम्हारा एतबार? हाँ ये सच है बिल्कुल, मगर मैंने क्या गलत किया? अमन के दौरान हम तिजारत को फरोख देना चाहते थे, फर्ज था हमारा। बहादुर के हानली बाजार खरीदने के लिए दिए गए सोने में से तुम्हारा हिस्सा कितना था? आप बहुत ज्यादा जहीन है अर्तुरुल सरदार, इन्हीं बातों से तो मुतासिर होता हूं मैं, वो सिर्फ कारोबार था। अब आप आ गए हैं, अमीर सादतीन का दौर खत्म। आज की बात मैं जानता हूं कि अम का कयाम सिर्फ आपके साथ मुमकिन है। आज की बात मेरी तिजारत भी आपके साथ होगी। तुर्कुत और असलहान को कैसे बचाओगे? मालूम नहीं कि जहर किसने दिया, मगर आपकी मदद के लिए एक जगह बता सकता हूं मैं। क्या मतलब बताओ? मुझे यहां आते हुए सिर्फ शक हुआ था, मगर जब आपने कहा कि जहर देने वाले का इरादा उन्हें मौत देने से पहले कर्म में मुब्तला करने का था तो मुझे यकीन हो गया। किस बात का यकीन? उस जहर को बनाने वाले का। तुर्गुत और असलहान को जो जहर दिया गया है उसे बनाने वाले को जानता हूं मैं।
कौन है? नीकिया से जड़ी बूटियों का एक माहिर, मजहब से बेजार एक पादरी है, रूह कब्ज होने तक कर्क में मुब्तला रखने का एक माहिर। कहां मिलेगा वो? हैबत की पहाड़ी के अतराफ में रहने का सुना है। उस वादी के नीचे तन्हाई में एक गार में रहता है। अगर वो पादरी आपको मिल गया तो यकीनन असलिहान और तुरगुत की जान बच सकती है। मेरी तरफ से दोस्ती का नजराना होगा ये। क्या पता मैं ताजियत के बजाय तो मोहब्बत करने वालों की तवील उम्र की दुआ करने वापस आऊं। फिलहाल मैं इतना ही कर सकता हूं अर्तुरुल साहब, बाकी आप जो बेहतर समझे। खुदावन उन दोनों पर रहम फरमाए। आप इजाजत दें तो कमांडर कोस्तस को यहां रहने दूं ताकि मुझे हालात से आगाही मिलती रहे। बहुत शुक्रिया हैरिस। दरवाजा खोलो। बमसी अस्मा के ताकुब में था, अल्पमिश को उसे मारते हुए भी देखा उसने और पकड़ लिया। खुशकिस्मती से हम वक्त पर पहुंच गए अमीर हजरत। इससे पहले कि अल्पमिश कुछ बताता, मार दिया उसे मैंने। बमसी हमें देखता उससे पहले हम निकल आए वहां से। आला, बमसी यकीनन उसकी लाश कबीले लेकर जाएगा। अर्तुरुल जब देखेगा कि ये बहादुर के सिपाही अल्पमिश की लाश है तो ये बात हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। गुप्तु, तुम्हारे लिए मेरे पास एक और काम भी है। हुक्म करे अमीर हजरत। जहर बनाने वाले को तलाश करो और मार दो उसे ताकि कोई सबूत भी बाकी ना रहे। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। तुर्गुत और असलहान को दिए गए जहर का दरिया कभी नहीं मिलेगा। पहले वो दोनों मरेंगे और उसके बाद बहादुर। सब तहस नहस हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं वापस आऊंगा, निजाम दोबारा राज करने और अर्तुरुल का खात्मा करने के लिए। असलिहान, तुर्गुत, असलिहान मेरी बहन, मेरा बेटा, तुर्गुत, मेरा बहादुर बेटा तुर्गुत। तुर्गुत हौसला हिम्मत करो बेटा, हिम्मत हौसला करो तुर्गुत। असलिहान, असलिहान मेरी बहन। आरतू भाई, असलिहान खातून को सांस नहीं आ रही। आरतू भाई हम क्या करेंगे? तुर्गुत हौसला रखो, असलिहान हिम्मत करो। तुर्गुत, तुर्गुत हिम्मत करो भाई। मुंह खोलिए इनका। तुर्गुत बहन मुंह खोलो, अल्लाह इनकी जिंदगी बख्श दे मेरे मां। असलिहान बिस्मिल्लाहिर्रहमान, मुंह नहीं खोला जा रहा है आरतू भाई। असलिहान मुंह खोलो, मेरी बेटी, मेरी बहन, इन्हें ये पिलाना होगा। असलिहान, असलिहान, तुर्गुत, हलीमा सुल्तान, इन्हें ये पिलाना होगा। हफ्सा, इनके सांस डूब रही है। हफ्सा, हफ्सा जल्दी आओ। अर्तुक साहब, हालत बहुत नाजुक है दोनों की। मुझे डर है कि सूरज के ढलने तक दोनों चाबर नहीं हो पाएंगे। एरेस आया था, एक जहर बनाने वाले का मालूम था उसे, उसका ठिकाना बताकर गया है। मगर एरेस हमारी मदद क्यों करेगा? सादतिन का दौर खत्म हो चुका, अब हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है वो। मालूम इंसान, उसकी बातों का कोई भरोसा नहीं है भाई, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। यकीन करना होगा उसकी बात का। मैं फौरन रवाना हो जाता हूं फिर। भाई मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए, यहां रहकर मजीद कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। असलिहान खातून के लिए और तुर्गुत के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूं। अगर एरिस की बात दुरुस्त निकली तो वहां मेरी जरूरत पड़ेगी आपको भाई। ठीक है आरतू भाई, आप भी साथ चले मेरे। बहुत शुक्रिया भाई। हफ्सा मुंह खुलवाओ इनका। तुर्गुत, असलियान खातून मुंह खोलिए अपना। तुर्गुत,
क्या चाहिए तुम्हें? सरदार ने तुम्हें मुबारकबाद भेजी है। तुम्हारा दिया हुआ जहर बहुत मौसर रहा। उन्हें एक शीशी और चाहिए। मिल जाएगी। हुआ है बंसी? कुछ मिला है क्या? भाई हाँ बिल्कुल मिला है। यहाँ पर ताजा निशानात है भाई, जैसे कि हमसे पहले कोई यहाँ पर आया हो। जहर बनाने का हुक्म देने वाले ने उस माहिर को कत्ल करने भेजा है किसी को। चलो जवानों चलो, वो गार्ड ढूंढनी है। चलो चलो भाइयों। जहर का तिरियात बनाने के लिए क्या इसी सांप का जहर इस्तेमाल करना पड़ता है? हाँ बिल्कुल। तो फिर आइंदा ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। मुझे क्यों मारना चाहते हो? ताकि ये राज हमारे सिवा कोई ना जान पाए। यह आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब इस शहर का दरिया बनाने वाला कोई नहीं बचा। अतराफ से घेर लो इस जगह को। यही है वो गार। मोहतात रहना सब, अंदर कोई खतरा भी हो सकता है। तो शैतान की आमाज का लगती है। कैसी हैबतनाक जगह है भाई ये। वही हुआ जो मैंने सोचा था। इसे भी मरवा दिया था कि कोई सुराख न रहे। भाई त्रियाक, अब हम त्रियाक कैसे तलाश करेंगे? यहां आने वाले शख्स ने तमाम जानवरों में से सिर्फ इस सांप को मारा। तो तुर्गुत और असलहान खातून को दिया गया जहर इसी सांप से निकाला गया है। त्रियाक हासिल ना हो सके इसलिए इसे मार दिया। भाई ये सांप तो मर चुका है, तो फिर हम तुर्गुत भाई और असलहान खातून के लिए त्रियाक कैसे बनाएंगे? डंक में जहर हुआ तो हम बना लेंगे। बंसी जल्दी से मुझे खाली बोतल दो। अर्तु भाई ये लीजिए। या अल्लाह मदद फरमा।
या शाफी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई इंशाल्लाह इसमें जहर मौजूद होगा, और अगर मौजूद हुआ तो जल्द हम तिर्याक भी बना लेंगे। शुक्र है अल्लाह का भाई, जहर मौजूद है इसमें। मैं फौरन तिर्याक बनाता हूं। शुक्र है अल्लाह का। जल्द से जल्द तिर्याक बनाएं हार्दिक भाई, सूरज ढलने से पहले पहुंचना। जी बिल्कुल भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन, ये लो पी लगी। शाबाश हफ्सा, दोबारा भरोसे। दुर्गत, हिम्मत करो बेटा, हिम्मत नहीं हार सकते तुम बेटा। अर्तुरुल कोशिश कर रहा है, वो तिर्याक जरूर लेकर आएगा। दुर्गत असलियान, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पियो मेरी बहन, शाबाश, ठीक हो जाओगी। शुक्र है अल्लाह का, इनकी सांसें बहाल हो रही हैं। बेहोश शुक्र है अल्लाह का, अस्नेहान मेरी बच्ची। अस्नेहान कुछ नहीं होगा तुम्हें, हिम्मत रखो, ये पी लो, ठीक हो जाओगे इससे। असलियान मेरी बहन। भाई इसे फौरन कबीले लेकर जाएं और वहां पहुंचकर दोनों को ये पिला दीजिए। ये अपना असर फौरन शुरू कर देगा। जब तक मैं यहां से जड़ी बूटियां जमा कर लेता हूं जो अद्वियात बनाने में काम आएंगी। बिल्कुल ठीक आर्तुक भाई। गुनकुत, आर्तुक भाई के साथ रहना, तुम इन्हीं के साथ आना। मैं और बंसी ये तिर्याक लेकर कबीले जाते हैं आर्तुक भाई। बिल्कुल ठीक भाई। अल्लाह हामी नासिर हो आपका। खैरियत से जाइए भाई। ये कोई बहुत अहम जड़ी बूटी है? बहुत अहम है गुनकुत, इतनी अहम के बहुत सौ के सर बचाने और कलम होने का इन्हिसार इसी पर है। हमें भी जल्द से जल्द कबीले वापस पहुंचना होगा गुनकुत, चलो जल्दी आओ। असलियान ये पियो। असलियान मेरी बेटी, हिम्मत करो असलियान, बस थोड़ी हिम्मत हो। हाय माँ,
हाइमा खानम, माफ कर दीजिएगा। नहीं 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 बेटा नहीं। असलिहा मेरी बहन, हिम्मत रखो, हिम्मत करो। नहीं तुरकुत बेटा, या अल्लाह हमारी मदद फरमा, इनकी जान बख्शे मेरे मालिक। वालिदा, वालिदा संभालिए खुद को, आज बाहर चले। हफ्सा तुम यही रहना, आइए वालिदा आराम से। सूरज गुरूब होने वाला है बमसी, रफ्तार बढ़ाना होगी। बिल्कुल भाई, जल्दी चलते हैं। अक्तुल गेली, मेरे बहादुर साथी, तुम्हें साथ देना है मेरा। जालिमों की तरफ से फैलाया हुआ अंधेरा छाने से पहले मुझे उड़ाकर मंजिल तक पहुंचा दो। चलो। दिन में मुहाफिजों की तादाद ज्यादा है, ये काम रात में अंजाम देना होगा। अल्लाह आसानी फरमाए। अल्लाह राजी हो आपसे खातून। दारियूस, कैसे हो बहादुर बच्चे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप यहाँ उड़ने वाला घोड़ा लेने आए हैं? नहीं, मैं बस चहलकदमी कर रहा था। ये मुझे उड़ने वाले घोड़ी की सवारी कराएंगे? कराएंगे ना? बिल्कुल, वो बहुत जल्द आएगा। लेकिन वो जब भी आता है, रात के वक्त आता है। जैसे ही वो आएगा मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, चले अब चलते हैं। सरदार गुंदुस, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो सिपाहियों को बता सकते हो। कबीले से वाकिफ नहीं हो तुम, इसलिए खैमे से ज्यादा दूर नहीं जाया करो। बहुत शुक्रिया। बेफिक्र रहो, मैं कबीले वालों को नहीं जानता, लेकिन बहुत जल्द पूरा कबीला मुझे जान जाएगा। जड़ी बूटियों का मालिक और वो सांप जिससे शहद निकाला गया था दोनों मर चुके हैं। अब असलिहान खातून और तुर्कुत के जिंदा रहने का कोई इम्कान नहीं है अमीर हजरत। अफसोस, अगर थोड़ी भी अकल होती तो आज तुम्हारा शुमार सलजूक की इंतहाई मोतबर खवातीन में होता। लेकिन अब इस हिमाकत का खमियाजा जानते के भुगतोगी। अगर अब तुम्हें अकल आ भी जाए तो क्या फायदा? अलविदा असलिहान खातून।
अलविदा। गोक्तू, हमारा काम यहां खत्म हुआ। बहुत से आम उमूर कोनिया में मुंतजर हैं हमारे, वो सब जो मुझे रियासत का अमीर समझते हैं, अब देख लेंगे कि रियासत मैं ही हूं। रियासत की खुशहाली और बर्बादी अब मेरी ही मर्जी पर मुनहसर है। हर किसी को मेरी इताअत करना होगी, और जो ऐसा नहीं करेगा अपनी जान दे के वो इसकी कीमत चुकाएगा, चाहे अर्तुरुल हो या सुल्तान। चलते हैं। अरे वो देखो, सरदार अर्तुरुल आ गए। क्या आपको वो त्रियाक मिला अर्तुरुल साहब? एरिस बिल्कुल सही था, त्रियाक मिल गया है हमें। मेरी तरफ से उसका शुक्रिया अदा करना कमांडर। उम्मीद है दोनों सेहतियाब हो जाएंगे। अर्तुरुल साहब त्रियाक लिया है। इन्हें ये पिलाना होगा बंसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पियो मेरी बहन। या अल्लाह शिफा दे इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी या शाफी। या अल्लाह मदद, या अल्लाह, या अल्लाह मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, या शाफी। आ मेरे भाई उठो, ठीक हो जाओगे तुम मेरे भाई। चला ये पियो मेरे भाई। या शाफी। या अल्लाह मदद। पियो मेरे भाई, अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमाए। आमीन। चलो मेरे भाई हिम्मत करो। हाँ। भाई इस दवा का असर कब शुरू होगा? कहीं हमें देर तो नहीं हो गई? हर मुश्किल के बाद आसानी है बमसी। यहां से आगे जो अल्लाह को मंजूर, अब नसीब में जो लिखा हो हमें उस पर राजी रहना है। जी भाई बिल्कुल। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वो क्या भाई? हमारे प्यारों को जिसने इस हाल तक पहुंचाया है उससे इंतकाम लेना हम पर लाजिम है बमसी। बिल्कुल भाई, इंशाल्लाह। करम फरमा मेरे रब। सामसा। हुकुम भाई। बहादुर को औताक में ले आओ। जैसा आपका हुकुम भाई। तुम्हें अर्तुरुल भाई के सामने उताक में पेश होना है। क्यों? उसकी तफ्तीश पूरी नहीं हुई अभी तक? तफ्तीश पूरी हो चुकी, अब तुम्हें सजा देनी है। यानी मेरी मौत का वक्त आ चुका है। सिपाहियों से कहो मेरी कमान लेकर आए। अगर मुझे मारना ही है तो सरदारों की तरह मेरी कमान से मेरा गला घोटा जाए।
परेशान मत हो तुम, अर्तुरुल भाई हर एक को वही सजा देते हैं जिसका वो मुस्तहिक होता है। चलो या अल्लाह, तो ये शिफा देने वाला है, तो ये जिंदगी बख्शने वाला है, इस असियत से निकाल दे मेरे बच्चों को मेरे मालिक, इन्हें सेहत याब कर दे या अल्लाह। आमीन आमीन। वालिदा, असलहान को होश आके देखे। असलहान, मेरी बहन, लाख लाख शुक्र है अल्लाह का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या रब, तेरा शुक्र है। असलहान, कैसी तबीयत है? मेरा बेटा, मेरा बहादुर बेटा, दुर्गत, तुम भी आंखें खोल दो बेटा, खोल दो। दुर्गत, दुर्गत कैसे? दुर्गत ठीक है, जल्दी से भी होश आ जाएगा इंशाल्लाह। असलियान, परेशान ना हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। सुल्तानी मुआज़्ज़म यहाँ क्यों आए हैं कोकतू? वो यहाँ पर चुबानुलू हुसामतीन के साथ क्राइमिया के सिफारती वफ्द को एक लश्कर तफवीज कर रहे हैं। आप उनकी खिदमत में तभी पेश हो सकेंगे जब वो वफ्द मुतमईन होकर वापस चला जाएगा। अमीर हजरत, आला, फिर हम इंतजार करते हैं। जनाब, कबीले पहुंच गया है अर्तुरुल, जहर का तिरियाक मिल गया है उस पादरी से उसे। शुक्र है, अर्तुरुल जैसा शख्स हमारा ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। कोस्तस, दो जिंदगियां कर्ज हैं उस पर और हमें उसके खिलाफ बढ़तरी हासिल हो गई है। तो फिर हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए जनाब? हम अर्तुरुल का भरोसा जीत चुके हैं कोस्तस, अब हम इस भरोसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। अर्तुरुल से हम जो भी चाहें वो ले सकते हैं, वो किसी चीज का इनकार नहीं कर पाएगा। इस मौके से फायदा उठा के हम उसे बेबस कर देंगे। ये दो जाने जो आज हमने बचाई हैं, इसके बदले हम अर्तुरुल और तमाम तुर्क कबाइल की जान लेंगे। असलहान खातून और तुर्गुत को जहर बहादुर साहब ने नहीं दिया। ये क्या कह रहे हैं आर्तुक भाई? तो तुम्हारे सब गाहक तुर्क हैं,
तुम तो उन्हें अच्छी तरह जानते होगे। उन फैशियों से बखूबी वाकिफ हूं मैं। बहादुर और अमीर सादुद्दीन साथ नहीं है और अर्थुरुल भी उनका दुश्मन है। वो अपने दुश्मन के टुकड़े करने के लिए बेताब है। तुर्गुत अब चावदार कबीले में ही रहेगा। इंशाल्लाह चावदार का सरदार बनेगा वो।